नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हंटर पर। दुनिया भर में ऐसी कई खतरनाक जगह है जहां पर लोग रोमांच अनुभव पाने के लिए घूमने जाते हैं। अपने अनोखेपन और हैरतअंगेज कारनामों के चलते ये स्थान देश दुनिया के कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज के बारे में, जहाँ जाने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आपने अब तक ऐसे ब्रिजों को देखा या उनके बारे में सुना होगा जो दिखने में काफी खूबसूरत और आकर्षित होते हैं। फिर चाहे बात आप चाइनीज के ग्लास ब्रिज की करें या यूके के रोप ब्रिज की, दुनिया भर से हजारों पर्यटक इनको देखने हर साल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस ब्रिज की हम बात करने जा रहे हैं उसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजों में होती है। दोस्तों, इस ब्रिज का नाम क्यों इक्वाचा है? ये ब्रिज कुजको गांव को पेरू से जोड़ता है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपको इस ब्रिज के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको इस ब्रिज के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहना। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेरू के इस ब्रिज का निर्माण यहाँ के आदिवासी अपने पारंपरिक तौर तरीकों से करते हैं। चलने वाले लोगों की रूह कांप जाती है। अक्सर जो कोई भी इस पर जाने की हिम्मत करता है वह बीच रास्ते में ही लड़खड़ाकर चीखने चिल्लाने लगता है। यही मुख्य कारण है जिसके चलते इस ब्रिज का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज में शुमार है। दोस्तों, इस पुल की लंबाई 120 फीट है। इसका निर्माण यहाँ के मूल निवासी जंगली घास से बनी रस्सी के सहारे करते हैं। इस ब्रिज की खास बात यह है कि इसका निर्माण हर साल किया जाता है। वहीं कुजको गांव के लोग जो इस ब्रिज का निर्माण करते हैं, गांव के लोगों के द्वारा उनकी सलामती की दुआ की जाती है। पुल जब बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है उस वक्त गाँव के लोग खुश होकर खूब जश्न मनाते हैं। पुल के निर्माण होने में तकरीबन 3 दिन का समय लगता है। इस पुल को एक नदी के ऊपर बनाया गया है। हर साल यहाँ पर हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी इसको देखने के लिए आते हैं। इसी वजह से पुल को साल 2013 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शुमार किया गया है। हर साल जो सैलानी इस ब्रिज को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं उन्हीं के पैसों के सहारे गाँव की आजीविका चलती है। पेरू में स्थित इस ब्रिज का नाम देश दुनिया में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। दोस्तों, अगर आप कभी ऐसे ब्रिज पर गए हो जो कि काफी ज्यादा डरावना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक पे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें।